फैसला हमारा अपना आपस में बैठ के हुआ है इत्तेफाक राय से कि जो मार्केट कमेटी है, बाजार समिति, वहां का जो ऑफिसरान है गवर्नमेंट का, उसको एक लेटर देना है, एक वहां के चेयरमैन को लेटर देना है, एक सहकार मंत्री को लेटर देना है, एक एडिशनल एसपी साहब को लेटर देना है, एक कैंप डीवाईएसपी को लेटर देना है, कैंप पीआई को लेटर देना है। और हमारी जो डिमांड है, जो 8-10% हम लोगों से, व्यापारियों से, छोटा मोटा व्यापार करने वालों से, जो आप लोग फ्रूट खरीदते हो और आवाम की खिदमत करते हो, बाजार शहर में लगाते हो, गली गली घूमकर आप लोग फल फ्रूट बेचते हो, जो आप मार्केट में माल लेने जाते हैं, तो आपको 8% से पैसा उनको कमीशन देना पड़ता है एजेंट को। और सब्जी वाले जो है, तो सब्जी वहां से खरीद कर घर घर पहुंचाते हैं, बाजार लगाते हैं, उन लोगों से 15-20% लिया जा रहा है। ये जो दो शिकायत हमारे पास आई है, ये शिकायत लेकर हम लोग लेटर, कल मैं लेटर दूंगा। और हमारा जो फैसला हुआ है कि आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, कल लेटर जाएगा, हमारी डिमांड जाएगी, हमारे मसाइल, हमारी बात उनके तक मैं पहुंचा दूंगा कल, और आने वाले मंगल तक जो 9 तारीख होगी, 9 तारीख तक अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं किया गया, हमारा मुतालबा नहीं माना गया, हम 8% कमीशन नहीं देंगे, 1% कमीशन नहीं देंगे, सब्जी वाले भी कमीशन नहीं देंगे। ये जो हमारी डिमांड है, वो डिमांड अगर हमारी 9 तारीख तक नहीं मानी जाती, हमारी डिमांड नहीं पूरी की जाती, तो 10 तारीख से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। मार्केट से कोई भी फ्रूट नहीं खरीदेगा, कोई भी सब्जी नहीं खरीदेगा, कोई भी मालेगांव शहर में बाजार नहीं लगाएगा, कोई भी सब्जी नहीं बेचेगा, एरिया वाइज बाजार नहीं लगेंगे, एरिया वाइज फ्रूट तकसीम नहीं होगा, बेचा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटी बाजार हो, बड़ी बाजार हो, मुशारत चौक हो, सुलेमानी चौक हो, रौनकाबाद इलाका हो, हजार खोली इलाका हो, आगरा रोड हो, बड़ी बाजार हो, या और शहर में अलग अलग चौक चौराहों के ऊपर जो आप लोग फ्रूट बेचते हो, सब्जी बेचते हो, एक भी गाड़ी नहीं लगेगी, हम वहां पर भी माल नहीं खरीदेंगे। और 2 तारीख हमारी होगी, 10 तारीख की सुबह अगर मंगल तक, 9 तारीख तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई, तो 10 तारीख को सुबह फजर बाद, फजर की नमाज के बाद, हम लोग मार्केट में अंदर जाकर धरना आंदोलन करेंगे, और बाहर के व्यापारियों को भी मालेगांव से माल नहीं खरीदने दिया जाएगा। दूसरी बात, उसी दिन वहां से उठने के बाद दोबारा हम 11 बजे यहाँ आएंगे इसी ऑफिस के ऊपर, राष्ट्रवादी भवन पर, और यहाँ से 4-4 की गाड़ी फ्रूट वालों की, सब्जी वालों की लेकर वापस एक मोर्चा हम लोग एडिशनल कलेक्टर के पास लेकर जाएंगे। ये बात हमारा फैसला हुआ है, तो आप लोग इसके ऊपर इत्तेफाक है, एक राय है क्या? आज मालेगांव शहर के तमाम फ्रूट बेचने वाले आपके जनता दरबार में हुआ, क्या मसाइल है? आज जो मेरे साथ बैठे हुए तमाम ही बुजुर्ग और नौजवान जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मालेगांव शहर में फ्रूट बेचते हैं 4 चाक की गाड़ी के ऊपर, सब्जी बेचते हैं, और ये पूरे शहर के सिर्फ चंद लोग आए जिम्मेदार। ये तकरीबन फ्रूट और सब्जी बेचने वालों की तादाद 2000 के ऊपर है, और इनकी ये शिकायत है, जो बाजार समिति है, जो मार्केट कमेटी है, जब ये सुबह उठकर वहाँ पर फ्रूट खरीदने के लिए जाते हैं या सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो एजेंट होता है, जो मार्केट के जिम्मेदारान होते हैं,
वो 8% कमीशन ये छोटा मोटा व्यापार करने वालों से लेते हैं, और किसानों से भी जिसका माल वो लोग बेचते हैं इनको, उनसे भी 4-5% कमीशन लिया जाता है। यानी 12-13%, 14% तक कमीशन किसान और छोटा व्यापारी मिलकर एजेंट को देता है, मार्केट कमेटी को देता है। ये जो मोनोपोली उनकी वहां पर चल रही है, जो ये नाइंसाफी इन लोगों के साथ चल रही है, इसके लिए शिकायत लेकर मेरे पास आए। ये फ्रूट वालों की बात हो गई, जो सब्जी वाले हैं तो सब्जी वहां से खरीदते हैं, शहर में लाते हैं, घर घर पहुंचाते हैं, चाहे फ्रूट हो चाहे सब्जी हो, या अलग अलग इलाकों के अंदर बाजार लगाते हैं या देहातों के अंदर जाकर बेचते हैं, तो फ्रूट वालों से 8% और सब्जी बेचने वालों से 12%, 15%, 20% भी लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का ठीक है, कानून है, जीआर है, ये हमको पता है, लेकिन इतना नहीं है जितना ये बताते हैं। और ये जीआर के खिलाफ में आंदोलन हो चुका पूरे महाराष्ट्र में, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां मार्केट कमेटी है ये तमाम ही कमीशन बंद हो चुका, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर कमीशन आज तक बंद नहीं हुआ। तो ये शिकायत लेकर ये लोग यहां पर आए, मैंने इनकी बातों को सुना हूं, और इत्तेफाक राय से हम लोगों ने फैसला किया है कि अभी दिवाली चल रही है, हिंदू भाइयों का त्यौहार है, किसानों का त्यौहार है, इसके लिए हमने फैसला किया कि कल हम लोग लेटर दे देंगे, हमारी डिमांड पहुंचा देंगे, और 9 तारीख तक, आने वाली 9 तारीख को जो बुध के दिन आएगी, मंगल के दिन आएगी, आने वाले मंगल तक ये हमारी डिमांड को पूरा करे। हम कोई भी कमीशन नहीं देंगे, ना फ्रूट वाला कमीशन देगा, ना सब्जी बेचने वाला कमीशन देगा व्यापारी। आपको उधर किससे लेना है, क्या लेना है, यह आपका मसला है, लेकिन ये शहर का छोटा मोटा व्यापार करने वाला कमीशन नहीं देगा। ये हमारी सिंपल डिमांड है, ये पूरी होना चाहिए। अगर ये पूरी नहीं हुई तो 10 तारीख को मार्केट कमेटी के गेट के ऊपर हम लोग धरना देंगे, तमाम ही व्यापारियों के साथ में, मैं खुद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे ओहदेदारान और ये तमाम ही लोगों के साथ हम धरना आंदोलन करेंगे। और बाहर के जो व्यापारी यहाँ पर खरीदने के लिए, फ्रूट खरीदने के लिए आते हैं, सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, उनको भी हम लोग खरीदने नहीं देंगे। पहले शहर के व्यापारियों का मसला हल होगा, उसके बाद आप बाहर के लोग यहाँ पर खरीदी करेंगे। एक दूसरे फैसला हमने ये किया है कि उसी दिन धरना आंदोलन तो हमारा 2-3 घंटे का होगा, और उसी दिन राष्ट्रवादी भवन से सुबह हम लोग 11 बजे 4 चाक की गाड़ी के ऊपर, जो ये लोग सब्जी और फ्रूट बेचते हैं, ये लोगों को खाली गाड़ी लेकर हम लोग एडिशनल कलेक्टर तक हम लोग खाली गाड़ी लेकर धरना रैली निकालेंगे, मोर्चा निकालेंगे। ये एक ही दिन प्रोग्राम होगा, 9 तारीख तक हमारी डिमांड को नहीं माना गया तो ये आंदोलन तय है। उससे पहले कोई ना कोई रास्ता और हल निकलना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। और साथ साथ में ये शहर को चलाते हैं, शहर के हर घर तक ये फ्रूट जाकर देते हैं, शहर के हर घर तक ये सब्जी पहुंचाते हैं। अगर ये बंद हो गया तो सिर्फ हम ये एक दिन का इत्तेजाज की बात नहीं कर रहे, हम लोग संप पे जाएंगे, हड़ताल करेंगे, कई बाजार नहीं लगेगा, कई फ्रूट नहीं बिकेगा, कई सब्जी नहीं बिकेगी, और ना मार्केट में दूसरों को खरीदने दिया जाएगा, और ना शहर में कई बाजार लगने दिया जाएगा। ये बात का फैसला हम लोगों ने यहाँ बैठकर किया है, और हमारी यही अपेक्षा है कि ये गरीब है, छोटा मोटा रोजगार करने वाले है, मार्केट कमेटी के ओहदेदारान, मार्केट कमेटी के ऑफिसरान, जिम्मेदारान और एजेंट ये बैठकर ये मसले को जल्द से जल्द हल करें। हम जो लोग मार्केट के अंदर जो कमीशन लिया जाता है हमसे 8%, 9%, 10%, और वो कमीशन हम 1 रुपया नहीं देंगे, और मार्केट फीस जो है वो हम गेट पे देंगे, सिर्फ दलाल को उतना पैसा देंगे हम जितने का उनसे माल लेते हैं, वो जितने का हमको माल देंगे, जो बोली होंगी, जो बोली तय होंगी, वो बोली का हम जितना उनका पैसा होगा वो सिर्फ पैसा देंगे हम, वो बोलेंगे कमीशन का पैसा इतना दो, मार्केट फीस का इतना पैसा दो, तो हम वो कोई पैसा नहीं देंगे। शेख हम साहब के पास आए, साहब के पास हम सब लोग एकदम परेशान हो गए इस वजह से।
आज टोटल जितने लोग बैठे हैं यहाँ, इसमें से 90% लोग सब कर्जदार है। यानी कि आज इनकी ऐसी हालत हो गई है कि अगर घर पे बच्चा बोले कि अब्बा ये चीज लेना है, तो उस दिन वो चीज की हमारे पास सेट नहीं रहती है। उस चीज के लिए हमको कम से कम हफ्ता भर इंतजार करना पड़ता है। ऐसी हालत हो गई सब लोगों की। तो यहाँ पर जब पूरे शहर के लोग आए हैं, हाँ अभी पूरे शहर के लोग फिलहाल यहाँ, हाँ ये पूरे शहर के लोग नहीं है, अभी सिर्फ ऐसा समझो कि 100 में से 10 लोग आए हैं। ये मसाइल जो थे आपके, आपने इससे पहले किसी और सियासी लीडर या सियासी नहीं, अभी इससे पहले हमने मुद्दा उठाया था, गए थे जब कमीशन लागू हुआ था, तो जब ये बात लेके गए थे मार्केट में, बात रखी गई थी, तो अपने फकीर हाजी साहब है जब वो उस टाइम में चेयरमैन थे, तो उनके पास बोले गए, हाँ मेंबर थे वो, जब उनको बोले गए थे तो उन्होंने बोले थे हाँ करेंगे अपन। और सुबह में जब बात हुई कि रात में बात हुई कि माल नहीं लिया जाएगा, और सुबह इन्हें माल नहीं लेंगे, उन्होंने आए कि बोले आप चलो माल लो 8% से, मैं 6% करा देता हूँ कमीशन। यानी कि वो सब माल लेना चालू करे, और फिर थोड़े दिन बाद वो 8% फिर हो गया। बाकी हम उतने टाइम भी यानी कि बहुत परेशान थे, और वो बात उनकी बात मान के आज ज्यादा परेशान हो गए, यानी कि टोटल लोग सब कर्जदार हो गए आज। हाँ प्रोटेस्ट करने जा रहे आसिफ भाई ने बोला कि हम आंदोलन करेंगे, एहतजाज करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो आपका पूरा समर्थन रहेगा जितनी भीड़ यहाँ पर है? ये एक एक लोगों का समर्थन रहेगा, चाहे वो हम लाठी खाना पड़े या भूखे रहना पड़े, हमको पीछे नहीं हटेंगे, भूखे रहना पड़ेंगे। डिमांड क्या है बस आखिरी, हमारी आखिरी और पहली डिमांड, आखिरी और पहली डिमांड यही है कि हम कमीशन नहीं देंगे।